हिंदुस्तान जिंक पुटोली का 10 लाख रुपए का चोरी हुआ केलसाइन बरामद, एक बल्कर एक ट्रोली जब्त, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हिंदुस्तान जिंक द्वारा नहीं हुई कोई प्राथमिकी दर्ज। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ दीपक भार्गव को कुछ समय से गोपनीय तंत्र से सूचना मिल रही थी कि करीब एक माह से रात्रि के समय से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के दरीबा प्लांट से प्रोसेसिंग किया हुआ जिंक केलसाइन, एक प्रकार की खनिज मिट्टी, अग्रिम प्रोसेसिंग प्रक्रिया के लिए हिंदुस्तान जिंक के पुटोली प्लांट के लिए लाए जाने वाला जिंक केलसाइन को चुरा कर एक जगह भंडारण कर कहीं अन्यत्र जगह पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। जो बल्कर से जिंक का माल चोरी करने के बाद और उसका वजन बराबर करने के लिए बल्कर में भरने के लिए काम में लेते हैं, मौके पर पड़े हुए बल्कर व ट्रैक्टर की ट्रोली में भरे हुए पीली मिट्टी के 48 कट्टों को जब्त किया गया। मोहब्बत सिंह, सुरेश कुमावत, कन्हैयालाल कुमावत से पूछताछ एवं जानकारी में सामने आया कि इस मामले का मास्टरमाइंड महेंद्र गिरी है, जो ये काम काफी समय से कर रहा है एवं पिछले कुछ समय से उसने प्रभुलाल कुमावत को भी साथ में लेकर ये काम कर रहा है। महेंद्र गिरी जिंक चोरी का आदि है एवं पूर्व में भी कई बार जिंक चोरी में इसके चालान हुए हैं। महेंद्र गिरी थाना चंदेरिया का हिस्ट्री सीटर होकर चोरी करने का आदतन अपराधी है। चोरी के इस आपराधिक मामले में कुछ अन्य लोगों भी शंका के दायरे में हैं, जिनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में लिप्त हिंदुस्तान जिंक प्लांट पुटोली में अंधुबंध में चल रहे बल्कर मालिक के अन्य दो डंपर को मामले में जब्त करना है एवं मास्टर माइंड महेंद्र गिरी, प्रभुलाल कुमावत एवं अन्य संलिप्त आरोपी गणों की तलाश सरगर्मी से जारी है। उक्त बरामद शुदा जिंक कैल्साइन की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। घटना में प्रयुक्त गोदाम, पास में बने दो कमरे एवं आरोपी प्रभुलाल कुमावत के मकान एवं नहोरे को सील किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक के किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई है, जिससे मामले में जिंक अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। नवबारा समाचार चित्तौड़गढ़ से दुर्गेश कुमार लक्षकार की खास रिपोर्ट। समय से लंबे समय से एसपी साहब दीपक भार्गव साहब के पास ये सूचना आ रही थी कि हिंदुस्तान जिंक पुटोली में जो प्रोसेसिंग के लिए केलसाइन नाम का खनिज आता है, तो पहले दरीबा में प्रोसेस होता है, एडवांस प्रोसेसिंग के लिए यहाँ आता है, उसको उन रास्ते में उन बल्कर्स को रोक के कुछ लोग उसमें से वो केलसाइन चुरा कर आगे मार्केट में बेच रहे थे। इस पे एक टीम गठित की गई जिसमें श्री अनिल जोशी, श्री दर्शन सिंह, श्री शिवलाल मीणा, तीन इंस्पेक्टर्स और जाब्ते की टीम, तो ये निगरानी रखे हुए थे। कल इस टीम को सूचना मिली जिसमें सिरोड़ी गांव में एक सीमेंट का पुराना गोदाम था, उसमें गए तो वहां पर एक बल्कर खड़ा था और उसमें चुरा दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति खड़े थे और केलसाइन चुरा रहे थे। एक ट्रैक्टर ट्रोली थी, घेरा देकर पकड़ा इनको, तो उन्होंने अपना नाम मोहब्बत सिंह और दूसरे ने कन्हैयालाल बताया। इन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो महेंद्र गिरी है, एक महेंद्र गिरी नाम का व्यक्ति और एक प्रभुलाल, ये मुख्य दोनों व्यक्ति हैं जो इसको चुरा कर आगे मार्केट में बेच रहे हैं। और तो माल पकड़ा, जो कैल्साइन पकड़ा गया, उसकी बाजार की कीमत करीबन 10-1 लाख है। हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को मौके पर बुला के पुष्टि कराई गई तो उन्होंने कहा हमारे ये स्मार्टर में ही आ रहा था और हमारा ही माल है, इसको प्रोसेस होने के बाद ये करीबन 20-1 लाख का माल हो जाता है, इसमें से दस्ता निकलता है। इसमें और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन संदिग्ध हैं, इसके बारे में टीम गहनता से पूछताछ करी है, जो भी खुलासा होगा आगे उनके विरोध की कार्रवाई की। इस मामले में हिंदुस्तान जिंक द्वारा पहले से कोई FIR दी गई थी? नहीं, हिंदुस्तान जिंक की तरफ से कोई FIR नहीं दी गई। और इसमें ये कलाकार ये करते थे, पीली मिट्टी के कट्टे भर के रखते थे, जितना माल चुराते थे उतना वजन का उसमें वापस बल्कर में डाल देते थे ताकि वहाँ जाके कांटे पे तुले तो वो वजन उनको बराबर लगे, इस तरह से ये हेराफेरी कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।